ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पांसिबिलिटी हो, लेबिलिटी हो, है ना, ये तमाम गुड गवर्नेंस के पिलर्स होते हैं, चार पिलर्स हैं गुड गवर्नेंस के। उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि एक होता है बाहर से इम्पोज शासन, द डिसिप्लिन इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, एक होता है डिसिप्लिन इम्पोज बाय आउटसाइड। जब हम अपने आप के ऊपर स्वयं अपना अनुशासन लागू करें तो क्या होता है, सेल्फ कमांडेंस, स्वयं का शासन, किसका शासन, स्वयं का शासन, और अपनी गतिविधियों को जो शासित करें तो वो सेल्फ गवर्नेंस होता है। तो सेल्फ गवर्नेंस में तीन चीजें आपके कोर्स कैरिकुलम में है, निपड़ो क्या है? तो तीन चीजें हैं आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संगठन, और तीसरा है सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज। जैसा कि तीन अलग अलग नाम हैं, थ्री डिफरेंट नेम्स, तो इनके रोल्स भी हैं। सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं तो एक परिदृश्य क्रिएट होता है दिमाग में, एक हाइपोथेसिस क्रिएट होता है कि तीनों शब्द एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। स्वयं सहायता समूह भी एक ग्रुप है, समूह है, एनजीओ भी एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ लोगों का, ठीक है, और सिविल सोसाइटी भी कुछ लोगों का एक समूह होता है, नागरिक समाज भी लोगों का एक समूह। सिमिलरली देखने में एक जैसे, लेकिन तीनों के रोल्स, तीनों के काम करने का तरीका, तीनों के फंक्शनिंग ये डिफरेंट है। अगर हम सामान्य रूप से लिटरल मीनिंग देखने का प्रयास करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, स्वयं सहायता समूह जो है, वो एक ऐसे समूह होते हैं जो लोगों को फाइनेंशियली मदद करने, वित्तीय रूप से उनको मजबूत करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने। तो इसमें एक बेसिक चीज जुड़ी है, वो चीज क्या है कि लोगों को हेल्प करना, मदद करना है, कैसे, पीटी इनकम सिस्टम, छोटी छोटी इनकम के माध्यम से बचत करना, और बचत करके लोगों को मदद करना, और उस मदद को वापस लेकर के उसे कुछ ब्याज लगा करके या कैसे भी कोई बिजनेस खड़ा करना या लोगों से काम कराना, और उससे फिर बहुत सारे लोगों की मदद करना, ठीक है, एक सामान्य ये परिदृश्य है, इसका ये मीनिंग है। जब हम एनजीओ की बात करते हैं, हम गैर सरकारी संगठन की बात करते हैं, तो इसके नाम से ये क्लियर है, क्या क्लियर है कि ये संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो काम करता है जो सरकार को करना है। किसको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की रीच वहां तक नहीं हो पा रही है, तो वो गवर्नमेंट से ही हेल्प लेकर के या किसी और से हेल्प लेकर के, मदद लेकर के क्या करता है, वो चीज प्रोवाइड करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ट्रेनिंग, वो व्यवस्था वो देता है, ठीक है। और जो सिविल सोसाइटी होती है, नागरिक समाज जो होता है, वो ऐसे प्रबुद्ध लोगों का समाज होता है, समूह होता है सिविल सोसाइटी, जो कि गवर्नेंस की वो लोकल छोटी 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 समस्याओं को हल करता है, जैसे नाली की प्रॉब्लम, खलंजे की प्रॉब्लम, ठीक है, मोहल्ले में वृक्षारोपण करना है, ठीक, या सड़क टूट रही है, सरकार से मांग करना है। तो ऐसे लोगों को जो समाज में ये फील करते हैं, सभी लोग सिविल सोसाइटी में नहीं शामिल होते, नागरिक सभी होते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी का जो समूह बनता है उसमें द रिस्पांसिबल सिटीजन्स
who are averse for the sake of public, जो लोगों के goodness के लिए अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, and put to their self to help them, उनकी मदद करने के लिए, समाज को, मोहल्ले को मदद करने के लिए, है ना, जैसे निराश्रित जानवर है उनको हेल्प कर देना, या कोई नगर पालिका को काम करना नहीं कर पा रहा है तो सिविल सोसाइटी के लोग अपना एप्लीकेशन लिखते हैं, ऑफिस में जाते हैं, परसू करते हैं बुजुर्ग लोग और प्रयास करके उस काम को करवाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंट है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए मदद कराना है, उसके लिए ट्रेनिंग देनी है। जो एनजीओ है वो एक ऐसे संगठन होते हैं जो कि सामान्य रूप से है लोगों की मदद करने के लिए, तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सारी सुविधाएं देने के लिए हैं, लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है 2014 में, तब से एनजीओ के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर बैन लगाया गया, या उनकी फंडिंग को जो सरकार की तरफ से वो क्या हुई, रोकी गई, क्योंकि ये माना जाने लगा था कि एनजीओ, एक परसेप्शन डेवलप हो गया था समाज में कि एनजीओ जो है करप्शन के अड्डे हो गए, भ्रष्टाचार के अड्डे हो गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से एनजीओ खोलते थे और उनके नाम पर वो ग्रांट लाते थे और अपने ब्लैक मनी को वाइट उसके माध्यम से बनाते थे। तो एनजीओ में इन्वॉल्व लोग जो समूह होते थे वो फंड लाते थे, काम दिखाते थे, काम करते थे और उससे अपना वेतन भी निकालते थे, अपने भी इनकम उससे उनकी जनरेट होती थी। तो सिविल सोसाइटी इज द गवर्नेंस ओनली टू हेल्प द सेक ऑफ सोसाइटी, पूरे समाज के लिए, इसलिए उसका नाम है क्या, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, क्यों, समाज के लिए काम करता है। एनजीओ जो है गैर सरकारी जो संगठन है वो भी काम करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल के क्षेत्र में काम करते हैं, ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये काम करते हैं विमेंस के एम्प्लॉयमेंट के, विमेंस को हेल्प करने के लिए, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए जो लोग सामान्य रूप से कोई काम अकेले नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उनके पास फंड नहीं होता है, तो उसके लिए फंड जनरेट करना, ग्रुप बनाना। अभी मैं आपसे कहूं कि दीवार आपको तोड़ना है, अकेले आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है, धन दे दें, कहें दीवार एक घंटे में आपको तोड़ना है, आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर कह दें कि आप सबको ये दीवार एक घंटे में तोड़ना है, तो आप सभी लोग उसी ढंग से दो दो बार मारेंगे, चार चार मारेंगे और एक घंटे में सभी लोग मिल करके उस काम को कर लेंगे। मेरे गांव में कहावत है कि 10 की लाठी एक का बोझ, 10 लाठी अगर है उसको एक जगह बांध दीजिए तो उस आदमी के लिए बोझ हो जाएगा, अकेले नहीं उठा पाएगा, और एक एक सबको दे दीजिए तो क्या हो गया, ओपन लाठी उसके लिए पावर हो जाएगी, तो वो 10 इकट्ठा हुआ तो बटन हो गया, एक एक ने उसको ले लिया तो क्या हो गया, पावर हो गई। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब 10 लोग इकट्ठा होते हैं तो पावर बनते हैं। एक अकेला, देखिए यहां बिल्कुल रेफरेंस डिफरेंस हो जाता है, एक अकेला व्यक्ति काम करे उस काम को उतना अच्छे से नहीं कर सकते, 10 लोग अगर मिलकर के थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे किसी काम में तो काम आसानी से हो सकता है। एक आदमी को 10 लोगों का वो खाना बनाना हो नहीं बना सकता, 10 लोगों को उतना ही खाना बनाना हो, सब लोग लग जाए फटाफट वो काम हो जाए। तो हमारे देश की जो आबादी है वो 70% पॉपुलेशन गांव, कृषि प्रधान देश, कैसा देश है, कृषि प्रधान देश, और कृषि में आप ज्योग्राफी वाले लोग आपको ज्यादा अच्छा बताते होंगे कि कृषि में एक प्रचंड बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, अदृश्य बेरोजगारी होती है, ओके। उसी जमीन पे मेरे पिताजी, मेरे चाचा, चार भाई, हम कितने लोग काम करते थे, छह लोग काम करते थे, लेबर अलग से लगते थे, जमीन उतनी ही है,
आप सिर्फ तीन लोग हैं, उसमें हमारे बड़े भाई भी नहीं काम करते हैं, दो ही लोग मिलकर के उतनी खेती करवा लेंगे, ठीक है। तो छह लोग जो काम करते थे वो दो लोग कर रहे थे, काम उतने हो रहा है और उससे अच्छा हो रहा है टूल्स और उसके मदद से। तो कृषि में भाई कोई काम नहीं है तो जो काम है उसी में सब लोग लगे, थोड़ा थोड़ा काम बटा लिया हो गया, फिर अपना बैठ के आराम कर रहे हैं। तमाम सारे सीजनल बेरोजगारी होती है। अब वो जो सीजनल बेरोजगारी है उस खाली समय में अगर आदमी कुछ काम करे तो क्या बोलते हैं उसको, वेल ऑफ इग्नोरेंस को तोड़ सकता है, या जो गरीबी का दुश्चर रहे उसको वो तोड़ सकता है। भाई आपकी इनकम अगर 10 रुपया है और उससे परिवार पल रहा है, लेकिन अगर उसी समय में आप काम करके अपनी इनकम को 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये जनरेट कर ले जाएंगे तो परिवार किससे निकल जाएगा, पावर्टी से बाहर निकल जाएगा और वो समृद्धि आ जाएगी। तो एक बड़ी प्लानिंग थी गवर्नमेंट की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, इसलिए इसको प्रमोट किया है। एक आप लोगों ने सुना है, शब्द सुना है कि नहीं सुना है, लोग कहते हैं मैं कमेटी चला रहा हूँ, व्हाट इज दिस कमेटी, फिर कमेटी डाले ना भैया और उसका पैसा हमारा नंबर आने वाला है कल, तो उससे हम क्या कर लेंगे बड़ा, क्या कर लेंगे बड़ा। तो कमेटी क्या होती है, कुछ पर्संस मिलके पर्टिकुलर कुछ अमाउंट का मनी डिस्ट्रीब्यूट मिलाते हैं, फिर उसमें नंबर होता है कुछ समथिंग कि इस बार आपको ये मनी जो इकट्ठा कितने आदमी होने चाहिए कमेटी के लिए, कम से कम हाउ मच पर्सन इज नीडेड फॉर अ कमेटी। हमने कभी चलाया नहीं है, हमारे भाई एक थे दिल्ली में रहते हैं, वो चलाते थे। हाउ मच पर्सन इज नीडेड फॉर अ कमेटी, मिनिमम मिनिमम 10 or 12, 10 से 15 या 12 से 15 लोग जरूरत है। ठीक, अब सब लोगों ने 100-100 रुपए मिलाए, कितना हो गया 12। अब इकट्ठा कर ले पैसा, क्या फायदा है, सब धरा रहेगा। तो इसमें यह होता है कि भाई लॉटरी निकलेगी, अगर कोई कहेगा कि किसी को जरूरत नहीं है तो लॉटरी निकलेगी, क्या निकलेगी लॉटरी निकलेगी, तो 1200 रुपया जिसकी भी लॉटरी निकलेगी उसको लेना पड़ेगा और वो 10% ब्याज के साथ लेगा, यानी वो जब वापस करेगा रिकरिंग के तरीके से या कैसे भी, तो 10% ब्याज जोड़ करके उसको धीरे धीरे वापस करेगा। लेकिन लॉटरी इनकी निकल रही है और इनको पैसे की ज्यादा जरूरत है, Need more need to the money। अचानक बेटी की शादी आ गई है या बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है या त्योहार आ गया है या बीबी ने मांग दिया कि अब हमको एनिवर्सरी पर आपको रिंग देना है, ऐसे डिमांड आती है ना घरों में, तो उसको ज्यादा जरूरत है पैसे की। तो जब पैसे की ज्यादा जरूरत होगी तो ये आदमी कहेगा नहीं, अगर आप मुझको ये दे दें तो मैं आपको 12% ब्याज दूंगा। इसको और ज्यादा जरूरत है तो कहेगा आप हमको दे दीजिए तो मैं 14% दे दूंगा। तो जो हाईएस्ट बोली लगेगी वो पैसा उसको चला जाएगा, ठीक है। और इस पर एक तरीके से वो धीरे धीरे करके फिर वो किस्त में वापस होता रहेगा और फिर ये मनी सर्कुलेट होके बढ़ती जाएगी। अब जितना ब्याज इसका बढ़ता जाएगा वापसी में उतना ही जितने पैसा सब लोगों ने जमा किया था उनका शेयर बढ़ता रहेगा या बढ़ता रहेगा। तो हर महीने वो 1200 रुपए कलेक्ट होता है, उस पर बोली लगती है, उसकी वापसी होती जाती है। इस तरीके से एक समय ऐसा आता है कि 1200 करके एक साल में जो 14000 रुपया हो जाएगा
और ब्याज जोड़ करके 16-17 हजार रुपया हो जाएगा, तब जब बोली लगेगी तो किसी को 17 हजार रुपए की जरूरत है, फट से मिल जाएगा, कोई काम कर सकता है, कोई धंधा शुरू कर सकता है, ऐसे 1 लाख हो सकता है। तो छोटी छोटी रिकरिंग्स पे भाई, नोटबंदी के दौरान या कोरोना के दौरान जब काम बंद हुआ तो इंडियंस ज्यादा सर्वाइव कर गए बनस्पत दूसरे देशों को, उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी बचत का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है दिमाग में, और इसलिए वो सेविंग हो गई। तो छोटी छोटी सेविंग्स के माध्यम से, एकत्रित किए गए धन के माध्यम से एक दूसरे को वित्तीय मदद करना, क्या करना? वित्तीय मदद करना, संगठित रहना, व्यवस्थित करना, और उनके लिए रोजगार ढूंढना उसके माध्यम से व्यवस्थित करना, और जो कृषि में प्रचंड बेरोजगारी है, जो खाली समय उनको मिलता है, उस खाली समय में अगर कोई उद्योग लगा लिया उस पैसे से, तो जितने भी लोग हैं उनकी अपनी मजदूरी भी बनने लगेगी, और उसी पैसे से उधर उधर भी शेयर है, और उधर मजदूरी भी उसमें करेंगे, उसमें यानी काम भी मिलेगा और पैसा भी बढ़ेगा। कैसा कॉन्सेप्ट है? बस उसके लिए जरूरत क्या है कि लड़ाई ना करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, क्या करें? ट्रस्ट करें, विश्वास करें, और उसके माध्यम से आगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक ऐसे समूह है, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आपसी छोटी छोटी बचतों के माध्यम से क्या करते हैं, एक फंड जनरेट करते हैं, और फंड जनरेट करके उद्योग शुरू करते हैं, अपने लिए रोजगार इकट्ठा करते हैं, और समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से वो संपन्न होते हैं, और गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और रोजगार पाने का प्रयास इसके माध्यम से वो करते हैं। एक घंटे बाद बात करना। तो ये होता है सेल्फ हेल्प, ये आपसी बचत से भी शुरू हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब आप कुछ अपनी बचत लगाते हैं तो कुछ बैंक मदद करते हैं। जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, अब यहां पर तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे बैंक पे आप लोन लेने जाएंगे तो आपको ग्रुप रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर वो कागजी काम आपको करना पड़ेगा। तो ये बेसिक था कि बैंक कुछ अपना फंड इकट्ठा करिए, कुछ बैंक से भी आप लोन लेकर के, तमाम सारे बैंकों को इस तरीके की योजनाएं सरकार ने शुरू कराई, खास करके नाबार्ड के माध्यम से, और उसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करवाए गए हैं, और 92 से इसकी प्रक्रिया इस देश में बहुत ज्यादा तेजी से ये चल रही है। तो ये बेसिक अवधारणा आप लोग समझ गए नहीं समझ गए? इस बार के PCS मेंस के एग्जाम में ये सवाल आया था, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर ठीक से नहीं लिख पाए, ठीक? इट्स क्लियर ऑन माइंड? तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये आपके कोर्स करिकुलम में है, पॉलिटी प्लस रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर है, सेकंड पेपर PCS का और IAS का, उसमें ये आपका कोर्स करिकुलम में। सर जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक्स जाते हैं रजिस्टर्ड करवाने, अब उस पर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जी। अभी क्या पढ़ा दिया मैंने आपको? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है आपको इंट्रोडक्शन क्या बता दिया? इंट्रोडक्शन। कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके पहले क्या लिखते हैं? नहीं, अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सारी बातें। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का, अब आपको मैं डिटेल कि कैसे बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या इसके अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG स्वयं सा, कहीं से इतना लिख दिया रहता है, इतना लोकप्रिय शब्द हो गया है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछ लिया गया, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू फाइंड वेज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन।
स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक या कुछ लोगों का एक अनौपचारिक संगठन होता है, एक अनौपचारिक एसोसिएशन होता है, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं, इन भाई फॉर्मल तो होगा कि पूरा बाकायदा नियम कायदा बने पहले से, तो एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है जिसमें लोग अपने जीवन की दशाओं को सुधारने के लिए एक साथ आते हैं, दे कम्स टुगेदर टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टेटस, लिविंग कंडीशन। लिविंग कंडीशन जब गुड हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हो सकता है उतनी साउंड ना हो लेकिन आपकी लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी हो, है ना, जैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं लेकिन मेरी लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी, मैं देखो लेता मेरे पास बहुत पैसा नहीं लेकिन हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी है, अपने आप को मानता है ना, किसी को इसी जीवन शैली में इसी लिविंग कंडीशन को उसको लगेगा तो शिक्षक लोग हैं तो ऐसे बोलते रहे, तो ये तो परसेप्शन की बात हो गई। तो आपकी लिविंग कंडीशन अच्छी हो, आपको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, आपको एजुकेशन अच्छी हो, है ना, आपके लिए रोड अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, और आप जो चाहते हो खरीद सकते हो, अपनी फैमिली को नर्सिंग ठीक से हो, आपको फूड्स अच्छे मिल जाए, है ना, यानी आपका एक होता पेट भरना और एक होता है न्यूट्रिशस फूड से पेट भरना, है ना, एक आदमी है कि नमक रोटी खा करके पेट भर लिया, ठीक, एक आदमी है कि उसके खाने में सलाद भी हो गया, दाल भी हो गई, थोड़ा चटनी भी हो गई, अचार भी हो गया, सब्जी भी हो गई, रोटी भी हो गई, चावल भी हो गया, थोड़ा रायता भी हो गया, तो कौन कंडीशन अच्छी हुई लिविंग की, जहाँ आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी वो मिल जाए जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी, तभी तो आप ग्लोरियस लाइफ जी। तो ऐसी स्थिति में गुड लिविंग कंडीशन के लिए मिनिमम फाइनेंस तो आपको जरूरी है, और उसी को जनरेट करने के लिए, उसी को व्यवस्था करने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोग, भाई सरकार सब जगह नहीं पहुंच सकती, पहुंच सकती कैसे करना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से करना, मैंने अपने कॉलेज में किया, किसी कॉलेज में साल भर पहले तक कैंपस नहीं साफ रहता, अब कैंपस ग्राउंड में आप सुबह शाम टहल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, कोई हमको सरकार की मदद हो, कोई हमको जिसकी मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ प्राधिकृत नियंत्रक, उन्होंने कोई मदद देने थोड़ो आए, जब हमने प्रयास किया, हम टीचर्स बैठे, हम कर्मचारी बैठे, हमने डिस्कस किया, हमने बात की, तो हमारे कई कमरे व्यवस्थित हो गए, ये कमरा भी बन गया, ये पहले तो सिर्फ दीवार खड़ी थी इसमें कुछ छत तो थे नहीं, अभी नाले वगैरह बन गया ना, ये दो कमरे गेट पर बन गए हैं वो भी व्यवस्थित हो जाएंगे, बैठने भी हो जाएंगे, तो जब आप अपने लिए काम करते हो तो दूसरे भी आपके लिए मदद के लिए आते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एसोसिएशन टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन इन व्हिच द सम पीपल कम्स टुगेदर टू इंप्रूव देयर लाइफ। और जब आप अपने जीवन को सुधारने के लिए आगे आते हैं तो क्या होता है, दूसरे लोग भी आपकी मदद करेंगे, सरकार भी आपकी मदद करेगी, और इसलिए अभी मैं भाई आप लोगों को पढ़ाना था तो मुझको पढ़ना पड़ा, तो मैं रात में यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, क्या देखा, वीडियो देखा, मैं बिना पढ़े जब की क्लास में नहीं था, उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि ये स्वयं सहायता समूह नहीं बल्कि राष्ट्र सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज नॉट ओनली ग्रुप्स टू हेल्प देयर सेल्फ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द ग्रुप्स टू हेल्प द नेशन। कोई भी नेशन इस बात से नहीं जाना जाता है कि उसमें पेड़ पालों के इतने हैं कैसे, बल्कि उस राष्ट्र का चरित्र का निर्माण होता है वहां देश के रहने वाले नागरिकों से, जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनका बिहेवियर, उनका करेक्टर, उनका जीवन दशा जैसी होगी उसी तरीके से तो उस राष्ट्र की जीवन दशा निर्धारित। स्टेट इज फॉर द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स की जो कंडीशन होगी वही राष्ट्र की कंडीशन होगी। आपके देश के रहने वाले नागरिक अगर मजबूत होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो आपका राष्ट्र मजबूत होगा।
अगर आपके कंडीशन नागरिकों की कंडीशन अच्छी नहीं है, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो राष्ट्र की कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है। तो दीज आर द ग्रुप्स टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दे आर जनरली सेल्फ गवर्न्ड। बहुत महत्वपूर्ण है मेरी थ्री, दे आर जनरली सेल्फ गवर्न्ड एंड पीयर कंट्रोल्ड। ये स्वशासित और सामूहिक रूप से नियंत्रित, एक आदमी की नहीं चलती है। पीर कंट्रोल होते, ठीक है, और सेल्फ गवर्न होते, स्वशासन, अपने आप के ऊपर शासन करते, ठीक है। आप अपने लिए जब नियम खुद बनाओगे, भाई रोज रेजोल्यूशन लो, 5 बजे सो के उठेंगे और पढ़ेंगे, और 5 बजे उठे फिर सो जाओ, तो सेल्फ गवर्नेंस नहीं हुआ। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है कि जो नियम आप अपने लिए बनाए फिर उसको आप क्या कर लें, इंप्लीमेंट कर लें, पालन कर लें। अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये कानून बनाता है या आपस में नियम बनाता है कि हम लोग सब लोग 100-100 रुपया देंगे और इसके जो फंड इकट्ठा होगा इसे ये काम करेंगे हम, और उसको वो नहीं करें, 4 लोग उसको ना फॉलो करें, तो फिर वो ग्रुप एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती। तो इट इज द सेल्फ गवर्न्ड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, पीयर कंट्रोल्ड। पूरे समूह स्वशासित होता है, अपने ऊपर शासन करते हैं, लेकिन नियंत्रण किसका होता है, सभी लोग मिलकर के जो निर्णय लेते हैं, सामूहिक निर्णय जो होता है वो फाइनली वो माना जाता है, ठीक है। कौन है पॉलिटिकल साइंस का, कोई है किसी ने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस? एक रूसो का कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, किसका, सामान्य इच्छा का, कि जो सबकी गुड विल होगी, कैसी विल, गुड विल है, दैट इज द जनरल विल। तो उसी तरीके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या है, पीयर कंट्रोल्ड है, सभी लोगों से जो गुड विल है उनके उससे नियंत्रित हो, उसे क्या होंगे, नियंत्रित हो गया, अपने ऊपर शासन करेंगे और ऐसे करेंगे जो सामूहिक निर्णय होगा उससे नियंत्रित होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं व्हाट द फ्यूचर मोर और सिमिलर है, वो क्या है कि दे आर द फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, सेम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, एक जैसे आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग, दे आर द सेम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड। अब धीरू भाई अंबानी किसी मजदूर के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बनाए, एक जैसे लोग हैं, मोहल्ले में हैं, एक साथ नमाज पढ़ने जाना है, या एक साथ घास काटने जा रहे हैं, एक साथ खेतों में जा रहे हैं, जिससे वो रेगुलर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ओके, एक मोहल्ले में रहते हैं, जैसे किटी पार्टी करते हैं तो कहीं एक आदमी दूसरे शहर में किटी पार्टी करने थोड़ा जाता है, वो लोकली एक दूसरे को जानते होने चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना होना चाहिए। भाई एक दूसरे के बारे में अगर हम जानेंगे नहीं है तो एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे, संभव है, नहीं है। तो एक जैसे सिमिलर आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड्स के होना चाहिए, एंड दे शुड बी रेडी टू हेल्प ईच अदर, उन्हें एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होना चाहिए बाय एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, चाहे समूह बनाकर, एनजीओ बनाकर, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से हेल्प लेकर के, टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन, एक दूसरे की मदद करके, कहीं से भी सहारा लेकर के, इस बात के लिए रेडी हो कि सबके जीवन दशा में क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, लोगों के जीवन दशा में सुधार के लिए ये प्रयास जो हम करते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है। और इसीलिए ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसकी सबसे जो पहली शुरुआत हुई, इसकी जो वर्जिन हुई है, वो सबसे पहला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना वो कब बना, 1972, दैट वाज द सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, सेवा, सेवा के नाम से जाना था, औरतों ने बनाया था।
सेल्फ एम्प्लॉयर लीमेंस सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन सेवा 1972 1972 में इसका गठन किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप था औरतों ने आपस में एक संगठन बनाया था एक दूसरे को मदद करने के लिए। हमको भी बचपन में याद आता है कि गांधी आश्रम था हमारे गांव के बगल गांव में और वहाँ से जो औरतें थीं वो लाकी थीं हुई काटन जिसको आप लोग कहते हैं गाँव में हुई करते इस तरह जाइए आप लोग क्या कहते हैं रुई करते हैं तो वहाँ से रुई लाती थी और तकली और चरखा लाती ठीक है और वो घरों में सूत काटती थी ठीक है और घरों में जो सूत काटती थी तो एक हफ्ते तक जितना सूत काट पाती थी उतना सूत लेकर के जाती थी और वहां पर वो देती। अगर किसी सामान की जरूरत है चद्दर है तकिया है कुछ वहां से खरीद के ले आई परिवार के जरूरत के हिसाब से अगर नहीं जरूरत है तो उसको वहां पर क्या कर दिया पैसे को जमा और एक मुस्त अकाउंट होता था कुछ तो वो कैश के रूप में फिर वापस ले ठीक है। तो इसके माध्यम से वो अपनी आप को क्या कर रही थी हेल्प कर रही। तो इसी तरीके से ये जो सेवा है विमेन सेल्फ एम्प्लॉयड यानी औरतों को अपने आप को रोजगार देने का जो प्रयास है इसी के तहत एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1954 में भी बना था जो अहमदाबाद में था जो टेक्सटाइल कंपनी थी उसके जो लेबर विंग्स था उसके औरतों ने उसको बनाया था कि जो मिल के स्मॉल फैमिलीज थी वर्कर्स थे उनको मदद करने के लिए। और 1992 से इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो विमेंस थी उनके एसोसिएशन को मदद करने के लिए नाबार्ड ने अपने आप को इससे जुड़ा। जब नाबार्ड इससे जुड़ गया 1992 में नाबार्ड का मतलब समझते हैं आप लोग ग्रामीण विकास के लिए रिजर्व बैंक ने एक बैंक बना रखा जिसका नाम है नाबार्ड। उस नाबार्ड से इसको जोड़ा गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिंकेज यहाँ से शुरू हुआ और इसलिए रिजर्व बैंक ने 1993 में नाबार्ड को अलाउ किया कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे सकते उनको मदद दे सकते हैं। अभी छोटे छोटे समूहों को जिनकी कोई गारंटी नहीं होती थी उनको बैंक मदद नहीं कर सकते थे तो ये देने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं आई हैं। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना आई। इसके अलावा 2011 में NRLM आया लोगों को स्किलिंग करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM ये योजना आई थी सरकार की कि कैसे लोगों को मदद किया जाए। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसका क्रिएशन कैसे उसका निर्माण कैसे पहले उसकी प्रक्रिया व्हाट्स द प्रोसेस। तो द सेल्फ देयर बी थ्री स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के विकास के तीन चरण थ्री स्टेज। तो वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप सबसे पहले आपको क्या करना है ग्रुप करें। दूसरा है फंडिंग और फॉर्मेशन ऑफ या तो आप कहीं से फंड लीजिए पहले आपका ग्रुप हो या तो बैंक आपको फंड करे या कोई और फंड करे या आप अपना फंड खुद इस माध्यम से जनरेट कर लीजिए। फंडिंग और फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल आप अपनी पूंजी का निर्माण स्वयं करें थोड़ा थोड़ा है ना।
बूंद बूंद से तो समुद्र बन गए, बूंद बूंद से आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ, सब कुछ काम कर सकते हैं। या बूंद बूंद से 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया इकट्ठा करके हम लोग संस्था चला सकते हैं। बड़े बड़े लोग काले छोड़ेंगे, मालवीय जी ने थोड़ा थोड़ा चंदा मांग करके क्या कर दिया, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, जो आपके हरदोई जिले से बड़ा उसका पेरिफेरी है ना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें हम लोग क्या हो, हमारा सेशन कॉलेज क्या होगा, खो जाएगा। वहाँ की एक फैकल्टी भी सेशन कॉलेज से क्या है, बड़ी है, क्यों? तो ये संकट ये है। और मालवीय जी ने किसी से कुछ ज्यादा थोड़ा मांगा, जाते थे लोगों से कहते थे कुछ भाई मदद करो, और लोग मदद करते थे, मुझको भी लोगों ने मदद किया। 10 दिन का युवा महोत्सव मैंने लोगों से मांग के करा, मांग लिया से हाथ फैला के कि आप कर दीजिए मदद, लोगों ने मदद कर दिया, अभी लोग भी उसमें जीत गए, हम लोग भी कुछ जीत गए, पुरस्कार पास ले गए पैसा है ना, लेके कुछ भी नहीं लेके खाले भी थोड़ा दिया इनको, आम जनता ने मदद की और मिल गए। छोटे छोटे फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, अपनी कैपिटल अपनी पूंजी आपको बनानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बनानी होगी। और तीसरा ये है कि डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्किल टू बूस्ट इनकम जनरेशन फ्रॉम द पीपल, एक स्किल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि ग्रुप के इनकम को कैसे आप बढ़ाए। भाई मान लीजिए आप छोटी छोटी बचत इकट्ठा करके संचित बैंक बना लो, पीटी बैंक बना लो, आप कोई धंधा नहीं शुरू कर रहे तो उस पैसे को फिर ब्याज पे चलाइए या किसी और तरीके से कहीं और इन्वेस्ट करिए। तो ये स्किल तो होनी चाहिए, आपको शेयर मार्केट की समझ होनी चाहिए, बाजार की समझ होनी चाहिए, तभी तो उसको कर पाएंगे। तो द ग्रुप मेंबर शुड बी स्किल्ड टू इनहेंस द इनकम ऑफ ग्रुप, समूह की आय को बढ़ाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह है उसमें जुड़े हुए लोगों का क्या होना चाहिए, स्किल, क्लियर। तीन चीजें हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, कैरेक्टर, और तीसरा स्किल। इच्छा हो लोगों में, आपस में क्या हो, इच्छा हो कि हमें एक दूसरे की मदद करना है और वो क्या कर लें, संगठित हो जाए, और संगठित होने के बाद फाइनेंस की व्यवस्था करें, और फाइनेंस की व्यवस्था करने के बाद इतना स्किल्ड करें अपने आप को कि वो अपनी चाहे ट्रेनिंग ले कुछ करें जिससे अपने उस कैपिटल को ग्रो कर सकें, तभी तो लिविंग कंडीशन भी इंप्रूव होगी। ओके, तो इस प्रकार से तमाम सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को तमाम सारी एजेंसियां प्रमोट करती हैं। तो कुल मिलाकर के कि जैसे तमाम सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी भी जुड़ जाती है, गवर्नमेंट भी कई बार मदद कर देती है, उनको स्किल्ड करती है, सरकार की योजनाएं आती हैं, कौशल विकास मिशन आया सरकार ने चलाया लोगों को स्किल करने के लिए, पॉवर्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स सरकारें चलाती हैं, गरीबी प्रबंधन कार्यक्रम चलते हैं, स्टेट एंड कमर्शियल बैंक्स मदद कर सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटी छोटी सोसाइटी चलती हैं वो फाइनेंस कर सकती हैं, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशंस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़्यादा प्रमोट कर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, उनके पास बड़ा फंड है तो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको स्किल्ड कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स भी उसमें डेवलप कर सकते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्या हैं, शुरुआती अभी वो काम क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द फंक्शंस, ओके सर, मेरी गाड़ी चालू है ना, वीडियो आप देख लीजिए टीवी पर क्लास तो मिले, सॉरी तो फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो स्वयं सहायता समूह है उनके काम क्या क्या, पहला काम है दे ट्राई टू
बिल्ड द फंक्शनल कैपेबिलिटी ऑफ पुअर्स। ये गरीबों की जो काम करने की क्षमता है उसको बिल्डअप करता है, उसको बढ़ाता है, उसको मैनेज करता है। एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द डोमेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग। कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका मूल उद्देश्य होता है कि जो समाज का मार्जिनलाइज सेक्शन, जो सीमांत की सीमा पर है, जो अंत्योदय है ना, जो डाउन ट्रोडेड है, अंग्रेजी में शब्द होता क्या, डाउन ट्रोडेड है, जो गरीब है समाज में, उनकी क्षमता को इस तरीके से बिल्डअप करना, इस तरीके से विकसित करना, कुल मिला के स्किल्ड करना, जिससे कि वो आय वृद्धि की जो गतिविधियां हैं, जो इनकम जनरेशन की एक्टिविटीज हैं, जो रोजगार का फील्ड है, उसमें वो काम कर सके, उस क्षेत्र में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। भाई एक लेबर है, दिन भर गड्ढा खोदता है, 10 गड्ढा खोदेगा, उसको अगर मदद कर दिया जाए, अगर मान लीजिए एक गड्ढा खोदने को 10 रुपये पा रहा है, अगर 10,000 रुपये की मशीन आती है, अभी मैंने देखा ग्राउंड में गड्ढा खोद दिया, कितनी आती है, 10,000-12,000 रुपये मशीन आती है, तो वो 10 दिन भर में अगर 10 गड्ढा खोदेगा और 10 रुपये पाएगा, 100 रुपये पाएगा, लेकिन अगर उसको मशीन दिला दिया जाए और मशीन चलाने की उसको कला सिखा दिया जाए, उसको स्किल्ड कर दिया जाए, तो 100 गड्ढा खोद देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से महीने खंड में उसको मशीन की कास्ट निकल जाएगी और उसकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो उसको स्किल्ड करना, उसकी पावर को बिल्डअप करना, उसको प्रमोट करना, ये सारी चीजें उसमें महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा ये कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स, उन पर आपस में बैठकर डिस्कशन करना और उनको रिजॉल्व करना और कलेक्टिव लीडरशिप करना, इंडिविजुअल लीडरशिप तो बहुत आसान है, कलेक्टिव लीडरशिप बहुत मुश्किल। मेरे जानने वाले हैं, 5 भाई हैं, इतना पता नहीं कैसे ईश्वर ने उनको अंडरस्टैंडिंग दी है कि किसी भाई से पूछो वही बात बताएगा, भले आपस में पहले सुन के कोई बातचीत नहीं हुई, या हो सकता है किसी काम को करने के पहले वो पहले प्लानिंग करते हो, उनके पास भट्टा है, अगर आप कहोगे क्या भाव रेट है तो जो वो बताएगा वही वो बताएगा, वही वो बताएगा, वही बताएगा, सब एक ही भाव बताएंगे। कलेक्टिव सामूहिक लीडरशिप, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन होने चाहिए, और जो समस्याएं हैं उनका म्यूचुअल डिस्कशन करके उनका समाधान, एक आदमी हाथ आप छोड़ देंगे तो फिर वो अपने हिसाब से सफा करने लगेगा। और इसके अलावा कि कई बार बैंक से लोन लेना मुश्किल होता है, दे प्रॉब्लम टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, तो इनका कहना है कि एक कोलैटरल सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि बैंक से या कहीं से भी वो लोन आसानी से पा सके। और इसके अलावा इनको ये भी फंक्शन होता है कि दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। गरीबों की जो माइक्रो फाइनेंस है, सूक्ष्म आर्थिक स्रोत के रूप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मैं खुद ही अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाता। तो आप ये समझिए कि जो गरीब आदमी है, जो हैंड टू माउथ वाला आदमी था, वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर पाए, भाई कैसे वो 400 रुपये अगर कमाता है और वो 10 रुपये बचाएगा नहीं तो और काम कैसे करेगा, तो उसको कैसे उसकी प्लानिंग हो, ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक साथ बैठ करके डिस्कशन करके लोगों उसके सील करके मदद करके हो सकता है। एक आदमी को आप अकेले छोड़ देंगे तो अच्छे से उस काम को नहीं कर पाए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये काम करना है कि माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज देना है पुअर को, गरीब को, जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छी दशा में ला सके। इसके अलावा कि इसको ये प्रयास करना चाहिए कि
कि द फॉर्मल सर्विसेज ऑफ बैंकिंग रिलीज द पुअर, गरीब तक औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं भी पहुंच जाएं, क्योंकि अभी भी जितने गांव हैं उतने बैंक की शाखाएं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनकी मदद करना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होना चाहिए। यूपी में जल्दी नहीं सफल हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मेंटल माइंड सेट है वो अभी भी सूदखोरी और महाजनी की है। हमारे गांव में एक ही आदमी है जो पूरे आधे से ज़्यादा गांव को गन्ना खरीद डालता है 200 रुपये में। बरसात के सीजन में जब लोगों को सब पैसे की ज़रूरत होती है, हमारा गांव बराड़ क्षेत्र का गांव है और कई बार दिक्कत होती है लोगों को, और बाजार चीनी मिल है वो पेमेंट नहीं करती दो दो साल, एक एक साल पेमेंट नहीं करती। अब किसान ने गन्ना बेच दिया, पैसा नहीं मिल रहा, लटका हुआ है। तो अब आदमी को अगर शादी करनी है बेटी की या बच्चे की फीस भरना है, देन ही हैव द नीड टू मनी, अपना गन्ना बेच दिया उसके पास पैसा नहीं, अपने पर फसल बेच दिया उसका पैसा नहीं मिला, तो लोग क्या करते हैं, वो सारे लोग जो है वो वीर सिंह को गन्ना बरसात के महीने में 200 रुपये कुंटल बेच दिए, और गन्ने के रेट है 350-360 रुपये अभी मैं घर होके आया हूँ, अभी मैं 31 तारीख को घर होके आया हूँ, ठीक है, इसलिए हमको पता है गन्ने का रेट। तो जब घर जाता हूँ तभी पता चलता है कि गन्ने का क्या रेट है, क्योंकि खाते तो हमारे सब ज्वाइंट अकाउंट है, भाई लोग पैसा निकाल लेते हैं हमारे खाते का, ज्वाइंट अकाउंट सिंगल ऑपरेशन, कैसा जितना मेरे नाम का गन्ना बिकता है वही लोग पैसा निकालते हैं, हमको कोई मतलब बताते नहीं लोग। तो ये बताया जरूर कि फलाने ने अपना गन्ना उनको बेच दिया, फलाने ने बेच दिया, फलाने ने बेच दिया, और क्यों बेच दिया, क्योंकि 200 रुपये में 250 रुपये उनको दे दिया, उसे तुरंत पैसा दे दिया, क्या कर दिया, तुरंत पैसा दे दिया, और फिर जब सीजन गन्ने का सीजन आएगा तो सब लोग गन्ना उसको बेच देते, सिर्फ गन्ने नहीं देते हैं, फिर अपनी पर्ची भी उसको देते, गन्ने की पर्ची देंगे, गन्ना देंगे, और वो उन्हीं की पर्ची पर गन्ना बेचता है 350 में, पैसा दिया रहता है 200 रुपये में, और जिस दिन उनके खाते में पैसा आता है पर्ची लेके जाता है, कहता भैया चलो पैसा निकाल दे, आएगा है पास तो खतवा में, उन्हीं से पैसा निकलवाता है उनके खाते से, जिसने अपना गन्ना 200 रुपये में 3 महीना पहले उसको दिया है, वही व्यक्ति 350 रुपया जब पैसा आता है साल भर में 6 महीने में, तो अपने खाते से जाता है चेक काट करके पैसा निकाल करके दे देता भैया, ठीक। तो अगर साल भर में पर्ची कौन देता है सर, किसान देता है जिसने उनसे पैसा लिया रहता है, पर उसके पास थोड़ा गन्ने इतना खेत है कि वो सबका गन्ना अपने नाम पे बेच लेगा, जिसका गन्ना है बिकेगा उसी के नाम पर, जिसका गन्ना है। पर्ची कहाँ से आती है? पर्ची मिल से आती है, मिल से पर्ची आती है, उसी की पर्ची पर आदमी अपनी पर्ची और अपना गन्ना जब सीजन होता है तो दोनों उसको देता है, और बड़ी जितनी ईमानदारी से काम होता है, और जब पैसा आएगा चाहे साल भर में आए चाहे 2 साल में आए चाहे 3 साल में आए, तो वो आदमी इतना रिस्क लेता है, भाई अगर पैसा 3 साल में भी आएगा 6 महीने में आ जाएगा तो उसको 200% का फायदा हो गया, ठीक है, और अगर 2 साल में आएगा तो उसको 20% का लाभ होगा, 4 साल में आएगा तो 80% का लाभ होगा, तो इतना बड़ा रिस्क लिया ना उसने एरिया पर। तो इस स्थिति में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्रयास करना होता है कि जो गरीब लोग हैं उनको अगर उस समय पर बैंक से पर्सनल लोन मिल जाता 5% पे 6% पे 10% पे तो वो उससे नहीं लौटे, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में सेल्फ हेल्प ग्रुप हमको लगता है ये ज्यादा कारगर होता है, लेकिन उसकी समझ क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। दे आल्सो इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग एंड अदर, ये व्यवस्था जो है अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें तो ये बचत की प्रवृत्ति विकसित कर, भाई आप सहारा ने क्या किया, सहारा में एक चेन चलती थी तो उन लोगों ने क्या कर रखा था कि उनके आदमी बाजार में रोज जाते थे वेंडर्स के पास, कौन सी योजना थी उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो लोग क्या करते थे कि दिन भर में आदमी 500 रुपए का काम किया उससे 50 रुपए रोज से,
रोज ले लिया, उसके खाते में जमा कर दिया। इस तरीके से 50 रुपए से भी वो 1500 रुपए महीने से भी कर लेता था, अदरवाइज वो कोई सेविंग नहीं कर पाता, सब पैसा उसका खर्च हो जाता। यानी अपने लिए राशन वो खरीदे इससे पहले 50 रुपए वो सेव कर लेता, ठीक है, राशन फिर वो सस्ता खरीद लेगा अगर कम पैसा रहेगा, राशन बहुत रहेगा, फल नहीं खरीदेगा लेकिन सेविंग कर लेगा। तो जो पुअर्स में सेविंग की हैबिट डेवलप होती है तो उससे सेविंग के हैबिट से उसकी जो आर्थिक स्थिति है, लिविंग कंडीशन जो है वो सुधरने लगती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें मदद कर सकते हैं। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनकी जरूरत किस लिए, ये दो तीन चीजें आपको बाद में, अभी बैंकिंग लिंकेज तो हम बाद में बताएंगे आपको, दो चीजें और जरूर जान लीजिए क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाता है वो सीधे पूछा जाता है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है ये, या इनकी नीड क्या है, ये जरूर पूछा जाता है, इस बार भी एडवांटेजेस ही पूछे गए। तो इसकी जो नीड की बात हम करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, तो कुल मिलाकर के ये है जो पॉवर्टी है, रूरल पॉवर्टी है, उसमें भाई गरीब आदमी कोई साथ तो होती नहीं, जैसे लिमिटेड क्रेडिट ऑफ द पुअर, अभी हम प्रिंसिपल है कॉलेज के, हम बैंक में लोन लेने जाए कहें हमको 10 लाख रुपए पर्सनल लोन की जरूरत है, बैंक हमको तुरंत दे देगा, ये किसी से भी मांगे तो आप सोचे भाई प्रिंसिपल तो है ही है, ये तो पैसा लौटा ही देंगे, तुरंत दे देगा, इसको बोलते हैं क्या क्रेडिट। हमारे कॉलेज का जो संविदा कर्मचारी हो जाए या कोई सामान्य विद्यार्थी जाए, नहीं देंगे, लौटा देगा, 3 साल का रिटर्न लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलान लाओ, धमका लो। तो जो पुअर है, जो गरीब है, उसकी क्रेडिट कम है, तो इसलिए ये जो क्रेडिट फाइनेंशियल सर्विसेज में उसकी क्रेडिट कम है, उसकी साख कम है, इसको इनहेंस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए रंगराजन कमेटी ने, और सरकार ने एक रंगराजन कमेटी बनाई थी, तो रंगराजन कमेटी ने बताया कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी जो क्रेडिट सिस्टम का एक्सेस है वो लिमिटेड है, लायक है, क्यों है, देयर आर 4 रीजंस, भारत में 4 कारणों से कहते हैं कि इनकी क्रेडिट सिस्टम कमजोर होते हैं। वो पहला है इनएबिलिटी टू गिव द क्वालिफाइड सिक्योरिटी, क्योंकि ये लोग जो है कोलेटरल सिक्योरिटी देने में सक्षम नहीं, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं जो बांड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे, सुरक्षा नहीं दे पाते, वीक क्रेडिट अब्जॉर्ब सर कैपेसिटी, ये जो क्षमता है क्रेडिट की साख की वो कम होती है, कमजोर होते हैं इस मामले में, द इनसफिशियंट रीच ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों के प्रति इनकी पहुंच कम होती है, बैंक 5 किलोमीटर दूर है ना पहुंच पाए, अगर बैंक घर के बगल में हो तो आप बोल सकते हैं, तो संस्थाओं तक इनकी रीच नहीं है, और वीक कम्युनिटी नेटवर्क, इनका जो कम्युनिटी नेटवर्क है ये बहुत कमजोर होता है, कल यहाँ पर कन्हैया मित्तल जी का कार्यक्रम कुछ हम का दरबार कर रहा था, पता नहीं आप लोग आए कि नहीं है, इतना जबरदस्त कम्युनिटी नेटवर्क अगुवानों का आप देखते हैं ना तो देखते तंग रहे, गरीब आदमी दिन भर अपने काम में व्यस्त है तो अपने कम्युनिटी के लोगों से ये जुड़ नहीं पाता, जब बेटी शादी करनी होती है तो एक दूसरे से पूछता है, बात करता है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो कम्युनिटी नेटवर्क बनाए, लेकिन जो आदमी सक्षम है उसके परिवार का एक आदमी कम्युनिटी नेटवर्क में ही रहता है, लोगों से मिलता ही जुलता रहता है, तो जब कम्युनिटी नेटवर्क नहीं होगा आपके पास तो आपके एक्सेस कम होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, अब अगर 12 लोग एक समूह में आ गए और आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक कम्युनिटी एक क्षेत्र के लोग एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये कम्युनिटी नेटवर्क को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं और ग्रेड इनका क्रेडिट लिंकेज जो है इससे बढ़ता है। और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में प्ले द क्रूशियल रोल्स और यह उनकी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। दे विल प्ले द ग्रेट रोल टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द फूड्स। गरीबों की क्षमता में ये ज़्यादा विकास कर सकते हैं और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आ सकती है, वित्तीय रूप से आप निर्भर बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी डेवलप करते हैं, दे डेवलप द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की अवधारणा का विकास है ना। आप नौकरी में जाते हो आपके पास लिमिटेड सैलरी 40,000 रुपए आया, उसी में 1 तारीख को आया, हर महीने हर दिन घटा और अंततः लास्ट तक आते आते आप जोड़ते रहते हो, ठीक है, रूटीन वे में काम कर रहे हो। जिसकी कैपेसिटी कम काम करने की वो भी उतने तनख्वाह पा रहा है, जिसकी ज्यादा है वो भी उतने तनख्वाह पा रहा है, बट यू आर मोर कैपेबल और जनरेट टू योर वर्क योर ओन एम्प्लॉयमेंट। आप अपने लिए काम करना जब शुरू करते हो देन इफ यू हैव द कैपेबिलिटी देन यू जनरेट द 4 लाख रुपीज पर मंथ, ज्यादा काम करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा काम करेंगे, स्किल सीखेंगे, टेक्निकल काम करेंगे, बिजनेस को अपने आप प्रमोट करेंगे। तो यह आत्मनिर्भर बनाता है, क्या बनाता है? आत्मनिर्भर बनाता है, अपने लिए आपके लिए रोजगार जनरेट करता है जिससे कि आपकी लिविंग कंडीशंस क्या हो जाए, सुधार सके और इससे फिर आपकी लिटरेसी लेवल बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? लिटरेसी लेवल बढ़ेगी। इट्स इंप्रूव द गुड हेल्थ केयर, आपका जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इससे सुधरती है एंड बेटर फैमिली प्लानिंग। किसी व्यक्ति का जीवन अच्छा किससे माना जाता है? कि उसका पढ़ाई लिखाई ठीक हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, जरूरत पड़ने पर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, उसकी फैमिली अच्छी हो, बीवी बच्चे पति अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, लिमिटेड हो और उसके पास संसाधन पर्याप्त हो, तभी तो लिविंग कंडीशन उसकी अच्छी होगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भर आप बनेंगे, अपने लिए रोजगार डेवलप कर सकते हैं और इससे आपकी शिक्षा, आपके परिवार और आपके हेल्थ केयर की सुविधाएं अच्छी हो सकती हैं। सो इट इज अ नीड ऑफ एच यस एच सेल्फ हेल्प नीड नोट कर लिया, इनकी जरूरत क्या है, क्या है ये बता दिया। अब आपको बताते हैं इनके एडवांटेजेस, इनके फायदे। पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय जुड़ाव। क्या है? वित्तीय जुड़ाव, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये इस बात के लिए बैंक्स को सेंसिटिव बनाते हैं कि वो गरीबों की मदद कर सके, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं उनको मदद करते हैं। बिकॉज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेक्स अ गारंटी टू बैंक टू रिटर्न देयर मनी, ठीक है। जब ये समूह जाता है और कहता है कि भाई इनको मदद की जरूरत है, आप लोन दे दीजिए, हम गारंटी देते हैं। क्या करते हैं? गारंटी लेते हैं कि अगर ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे देन वी विल रिटर्न, हम रिटर्न। तो बैंक को क्या मिल गई? गारंटी मिल गई और गरीब को बैंक की अपॉर्चुनिटी मिल गई। बैंक को क्या चाहिए? उसका पैसा ना डूबे, गारंटी चाहिए। और ये बिल्कुल इसके साथ समूह के साथ काम कर रहा है
तो ही सर समूह वाले लोग इसको प्रेरित करेंगे और ये हनुमान जी की तरह अपनी सामर्थ्य तैयार करेगा और लोग वापस कर देंगे और अपना काम भी करेंगे। ओके, दूसरा है द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड। ये सीमांत जो लोग हैं उनकी आवाज क्यों नहीं है? भाई 10 लोग इकट्ठा हुए, अरे नहीं भाई ठीक आदमी है, एक आदमी मैंने नहीं ठीक आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं, क्या है अच्छे व्यक्ति हैं, आप इनको लोन दीजिए, यही क्या मदद करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो उससे क्या बनता है, वो उसकी आवाज बनते, कम पढ़ा लिखा है आदमी है, गरीब है, बाबू के सामने जा करके बैंक में अपनी बात नहीं रख पा रहा है, लेकिन जो उसमें 10-12 लोग इकट्ठा हो गए उसमें कोई ना कोई थोड़ा अगर वोकल होगा वो अपनी बात को वहां पर रख देगा। तो ये वॉयस की तरह काम करते हैं, जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, वॉयस लेस समाज सोसाइटी है, उनकी आवाज की तरह का इसकी तरह करते हैं आवाज। तो इंक्लूजन वॉयस एंड सोशल इंटीग्रिटी रिप्रेजेंट द नोट करो सोशल इंटीग्रिटी सामाजिक सुदृढ़ता, क्या बनाते हैं सामाजिक सुदृढ़ता बनाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इरेडिकेट मैनी सोशल सीन सच एज डावरी अल्कोहलिज्म अर्ली मैरिज सोर्ट मैनी सोशल एबल्स। इनसे ये निपटते हैं, कैसे निपटते हैं है? सोशल इंटीग्रिटी से निपटते हैं, सामाजिक सुदृढ़ता है, जब समाज एक दूसरे से जुड़ेगा, एक जगह बैठेंगे बात करेंगे, अगर ये व्यक्ति अपने बेटी के साथ ही बाल विवाह करना चाहता होगा तो ये समझा सकेगा, अगर ये दहेज मांगने का प्रयास करेगा तो ये कहेगा भाई देखो इसको समझाएगा ये दहेज मांगेगा तो मत देना और तुम्हारी बेटी साथ ही आकर आते ठीक है। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे निकलने के लिए क्या प्रयास करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे। तो ये जब लोग मिलते हैं बातचीत करते हैं तो सेल्फ हेल्प है ना, तो उससे समाज क्या होता है मजबूत होता है, उसमें इंटीग्रेशन होता है, उसमें सॉलिडरिटी होती है। क्या थी देखिए ये है एसोसिएशन और ये इंटीग्रिटी, क्या है इंटीग्रिटी जल्दी अलग मुट्ठी ऐसे बांधी है जल्दी अलग हो जाएगी, लेकिन पांचों गोलियों से बांधी है अलग होगी नहीं होगी। तो इट्स वर्क्स जस्ट लाइक अ यूनियन, पूरा समाज पूरा ग्रुप एक बैकग्राउंड के लोग आपस में क्या होते हैं सॉलिडरिटी से मजबूती से जुड़ते हैं, और जब वो मजबूती से जुड़ेंगे तो उनको अलग नहीं हो सकेगा, और जब अलग नहीं हो सकेंगे उनमें संगठन होगा तो क्या होगा वो उस बुराई से निजात। ठीक है, अभी ऐसी समस्या का समाधान में हम फंसे थे तभी आप लोगों क्लास में लेकर आए है ना, छोटा गत्ता बत्ता और लड़की अपने माँ बाप के साथ गई वापस है ना। तो बड़ी जो सामाजिक दबाव जो होता है वो कई सारे बुराइयों से आपको क्या करता है अलग करता है दूर करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंप्रूव्स द कंडीशन ऑफ सोसाइटी बाय द सोशल इंटीग्रिटी। इसका जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, सेक्स इक्वलिटी और जेंडर इक्वलिटी में अंतर आप लोगों को पता ही नहीं पता, लिंगगत समानता लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी और सेक्स इक्वलिटी या जेंडर इनइक्वलिटी और सेक्स इनइक्वलिटी में अंतर पता है बोलिए। जब हम कहते हैं लिंगगत समानता है लिंगगत भेदभाव और लैंगिक भेदभाव, जेंडर इनइक्वलिटी और सेक्स इनइक्वलिटी डू यू नो अबाउट, नहीं सर आपने दो चीजें बोली इसलिए कंफ्यूज हो गए, मतलब आपने बोला लिंगगत और लैंगिक yes. ये चीज तो इतना जेंडर और सेक्स यही तो अंतर समझना है भाई। तो जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है जो लिंगगत भेदभाव है वो तो किसी के बस में नहीं, दैट इज द डिवाइन
डिसाइडेड बाय द गॉड वर्चू. ये कौन लड़की है कौन लड़का है, सेक्स इज डिसाइडेड बाय. तो ये तो भेदभाव होगा ही होगा कि भाई लड़की है लड़का है. लेकिन ये लड़की है इसको दूध नहीं मिलेगा, ये लड़का है इसको दूध मिलेगा. ये लड़की है तो बीए करेगी, ये लड़का है तो बीटेक करेगा. ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. व्हेन देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ थॉट प्रोसेस, चिंतन की प्रक्रिया में अंतर है कि लड़का है मुखाग्नि देगा तो हमको स्वर्ग मिलेगा और लड़की तो हमको मुखाग्नि नहीं दे सकती है, लड़की पराया धन है ना. ऑल दीज आर द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये है लैंगिक भेदभाव. ठीक है अभी तो देखिए लॉक बना देता हूं. तो ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या आपका जेंडर इक्वलिटी. बाय दिस वे द वीमेंस भाई सामान्यता औरतों की ग्रुप जो प्रचंड बेरोजगारी में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब वीमेंस का ग्रुप ऑफ वीमेंस. तो जब वीमेंस के पास पैसा आएगा, वीमेंस काम करेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. क्या होंगे? आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. अगर आप मम्मी बेटा मम्मी के लिए साड़ी ला रहा है तो बहू भी अगर सास के लिए साड़ी लाएगी तो सास बहू को भी पसंद करेगी. बेटा अगर अपनी सास को मदद करता है तो बेटी भी जाके अपनी मदद कर सकती है ना. ठीक है तो अगर बेटी जैसा प्यार आप चाहते हैं तो बेटी जैसा व्यवहार करें. बेटा भी अगर दमाद भी अगर बेटे जैसा व्यवहार चाहता है अपने ससुराल में तो उसको भी बेटे जैसा व्यवहार करना हो. ओके तो उसके लिए जरूरी क्या है? फाइनेंशियली इम्पावर्ड हो. और जब आप फाइनेंशियली इम्पावर्ड होंगे तब तो नहीं कह पाएगा कोई बेटी पाएगा कह पाएगी तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर इक्वलिटी होगी. स्त्री पुरुष दोनों को समाज में समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और उनका सम्मान होगा. ओके सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वर्क्स एज द प्रेशर ग्रुप, स्वयं सहायता समूह दबाव समूह के रूप में काम कर सकते हैं. आप एक विद्यार्थी अकेले आएगा मेरे पास डांट के भगत, अगर उसकी बात नहीं समझ में आएगी क्या होगा? डांट के भगत. अगर पूरा म्यूजिक की क्लास उठ के मेरे पास चली आई सोचना पड़ेगा क्या फिर ऐसी क्या बात हो गई, सारे लोग परेशान हो गए. तो यू में फोर्स योर डिसीजन आए द प्रेशर ग्रुप दबाव समूह के रूप में काम कर सकता है. भाई इतने लोग ग्रुप के लोग होंगे वो किसी बात को अगर कहेंगे तो अगले को उस बात पर सोचना पड़ेगा. तो द सेल्फ हेल्प ग्रुप में वर्क्स एज द प्रेशर ग्रुप, ये दबाव समूह के रूप में भी काम कर सकता है. इसके अलावा इनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सरकारी योजनाओं की क्षमता में भी वृद्धि कर सकते हैं. तो सरकार ने कोई योजना लागू किया उसको हाथों हाथ ले लिया, उसको लागू किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, लोगों को समझाया, मदद किया और उसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको एडिट करें. वह सरकार ने कोई योजना लागू की, काम हो रहा है, 10 लोग वहाँ मोहल्ले के इकट्ठा खड़े हुए नहीं ये काम ठीक नहीं हो रहा,
तो इट्स विल क्रिएट्स द सोशल ऑडिट, ये सामाजिक रूप से ऑडिट हो जाएगा। आपके मोहल्ले की सड़क बन रही है, खराब बन रही है, ठीक नहीं हो रहा है, या कोई योजना है, आप सीधे जाएंगे प्रशासन के पास कि साहब हमारे मोहल्ले में, एक आदमी जाएगा कोई नहीं सुनेगा, दस लोग जाके कहेंगे नहीं ये काम ठीक नहीं हो रहा है, तो उस पर दबाव बनेगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को सोशल ऑडिट के माध्यम से उसकी क्वालिटी इनहेंस में ये मदद करता है, इसके लाभ हैं यूटिलिटी की। इसके अलावा इट्स प्रोवाइड द अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार के या जीवन जीने के एक वैकल्पिक स्रोत बनाता है, क्योंकि तो लोगों के जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकता है, व्यवसायिक प्रशिक्षण दे सकता है, इसमें प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग, भाई गर्मी छुट्टी में स्कूल बंद है और जो समूह है वो मोहल्ले के बच्चों के लिए या उस ग्रुप के लोगों के लिए क्या कर दे, एक ट्रेनिंग व्यवस्था कर दे कि नहीं हमें सब लोग जो लोग हैं ट्रेनिंग टेलरिंग सीख लेंगे, है ना, दो टेलर बुलाया बैठा दिया और कहा हमारे बच्चों को क्या सिखा दीजिए, इस ग्रुप के लोगों को क्या सिखा दीजिए, टेलरिंग सिखा दीजिए। अब वो सीख लिए, सुबह शाम में औरतों को घर में खाना ना बना के रख दिया, पति का वेट कर रही है, तब तक दो ब्लाउज तैयार कर दिया, क्या कर दिया, दो ब्लाउज तैयार कर दिया, थोड़ा तुपन कर दी, टेलरिंग सीख ले, फूल माला का काम सीख ले, कढ़ाई सीख ले, बुनाई सीख ले, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेस वो कर ये करवा देते हैं। इसके अलावा ये है जो सोर्सेस हैं वर्तमान के एग्रीकल्चरल में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज इंपैक्ट ऑन द हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, स्वास्थ्य पर और घर पर भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब लोग बाहर निकलते हैं समझदार होते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी सोचते हैं और परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी सोचते हैं। इससे क्या है कि जो चाइल्ड मोर्टलिटी रेट है, बच्चों को गर्भ में मरने की है, जन्म लेते समय मरने की संभावनाएं हैं, वो कम क्या हुई होगी, कम होगी। लोगों को टीके सही समय पर लगेंगे, न्यूट्रिशन सही होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगी, औरत अगर समझदार हो जाएगी, स्किल हो जाएगी तो अपने घर को क्या रखेंगी, सिस्टमेटाइज रखेंगे, तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे। कैसी एनर्जी डेवलप होगी, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, और जब पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, बाद में अगर पावर पॉइंट मैं पीपीटी नहीं बना पाया लेकिन अभी मैं पीपीटी लेके आता तो एक अलग एनर्जी डेवलप होती आपके अंदर, है आपको भी लगता कि नहीं सर तो आज लगता कुछ विशेष करके आया। तो इसी तरीके से जब आप अपने घर में पहुँचते हैं तो आपके घर अगर सजा है तो एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, कितना भी थका हारा आदमी आए मन खुश है सर, एक पॉजिटिविटी डेवलप, एक सकारात्मक सोच। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट द पॉजिटिव थॉट्स, एक सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। इसके अलावा इनका एक एडवांटेज और है, इट्स प्रोवाइड्स द बैंकिंग लिटरेसी, ये बैंकिंग लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनकरेज पीपल टू सेव एंड प्रमोट्स बैंकिंग लिटरेसी अमंग द रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे बना करके और लोगों को बैंकिंग के प्रति जागरूक करते हैं, जिससे लोग अपने सेविंग्स को जमा कर सकें, वहां से लोन ले सकें टाइम से, लोगों को जागरूक बनाना, बैंक तक उनकी पहुंच कराना, ये सब इनका उद्देश्य होता है। इसके अलावा तमाम सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, इनको हम अगली लेक्चर होगी उस पर डिस्कस करेंगे, और नाबार्ड से कैसे लिंकेज है इसका, इसको कल हम आपको चर्चा करेंगे थोड़ा देर में। जो बेसिक चीज़ें थी मैंने इसकी आपको बता दिया, उसके बाद फिर हम एनजीओ और सिविल सोसाइटी डिस्कस करेंगे। ओके पढ़ते रहिए आप लोग, अगर मैं भी आपको ठीक नहीं पढ़ाता हूँ तो भी बताइए कि सर आपको पढ़ा रहे हैं इसमें ये चीज और क्या होनी है, इंक्लूड होनी है, इम्प्रूव होनी है, कोई जरूरी नहीं है लोग, कोई भी व्यक्ति दुनिया में क्या है एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं होता है, सब आदमी में कमियां। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया का मैं सबसे अच्छा शिक्षक हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ, ये